दोस्तों, बहुत ही कम समय में दर्शकों का पसंदीदा बनने वाला सीरियल अनुपमा में हमें कई पॉजिटिव कैरेक्टर के साथ साथ वनराज शाह बने सुधांशु पांडे का नेगेटिव रोल भी देखने को मिल रहा है, जो हर वक्त अपने एटीट्यूड और ईगो में चूर रहता है और हमेशा अपनी पत्नी अनुपमा को बेइज्जत करने का मौका ढूंढता रहता है। और इसी तरह की दिलचस्प नकारात्मक भूमिका को निभाते हुए अभिनेता सुधांशु पांडे आज खूब नाम कमा चुके हैं, जिन्हें खलनायक के तौर पर दर्शकों का बेहद ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने इस नेगेटिव रोल से न सिर्फ दर्शकों का प्यार बटोरा है, बल्कि टीवी इंडस्ट्री के कई फेमस नेगेटिव एक्टर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, सुधांशु पांडे अपनी इस नकारात्मक भूमिका से टीवी इंडस्ट्री के कई खलनायकों को पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आखिरकार कौन से हैं वो नेगेटिव टीवी एक्टर्स जिन्हें पीछे छोड़ा है अभिनेता सुधांशु पांडे ने? चलिए रूबरू होते हैं उन्हीं अभिनेताओं से। नंबर वन, अंकित मोहन। इन दिनों सीरियल कुमकुम भाग्य में अभी मेहरा के छोटे भाई आकाश मेहरा का किरदार निभा रहे अभिनेता अंकित मोहन का नाम इस लिस्ट में नंबर वन पर शुमार है, जिन्हें नेगेटिव किरदार निभाकर पीछे छोड़ा है अभिनेता सुधांशु पांडे ने। यूं तो अंकित मोहन आकाश मेहरा का नेगेटिव रोल निभाकर कुमकुम भाग्य सीरियल को बेहद ही मजेदार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। लेकिन जिस तरह से सुधांशु पांडे अपने खलनायक के किरदार को अदा कर रहे हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं अंकित मोहन का ये नेगेटिव रोल फीका ही नजर आता है। तभी तो दर्शक अंकित मोहन से ज्यादा सुधांशु पांडे को नेगेटिव रोल में देखना पसंद कर रहे हैं। नंबर टू, अनुराग शर्मा। जी हाँ, अभिनेता अंकित मोहन की तरह ही अभिनेता अनुराग शर्मा को भी पीछे छोड़ चुके हैं सुधांशु पांडे। हालांकि अनुराग शर्मा को कुमकुम भाग्य सीरियल के साथ साथ ये है मोहब्बतें में भी नेगेटिव रोल अदा करते हुए देखा गया है, जिन्हें अलग अलग तरह के पैतरे आजमाते हुए बुरे काम को अंजाम देते हुए देखा गया है। लेकिन नेगेटिव रोल को निभाने के मामले में सुधांशु पांडे इनसे दो कदम आगे निकल चुके हैं, जो कि अपने खलनायक के किरदार को एक नए अंदाज के साथ साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरह की नई साजिशें रचते हैं। और इनके नकारात्मक किरदार में इसी नई चीज को देखना दर्शकों द्वारा बेहद ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नंबर थ्री, संजय स्वराज। अनुपमा सीरियल में खलनायक बनकर वनराज शाह का किरदार निभा रहे अभिनेता सुधांशु पांडे ने जिन नेगेटिव टीवी एक्टर्स को पीछे छोड़ा है, उनमें एक नाम अभिनेता संजय स्वराज का भी शुमार है, जिन्हें आपने साल 2018 में टीवी शो कसौटी जिंदगी की में नेगेटिव रोल प्ले करते हुए देखा था। जिस नकारात्मक भूमिका को निभाने के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन जब से सुधांशु पांडे वनराज शाह बनकर खलनायक के तौर पर दर्शकों के सामने आए हैं, तब से तो मानो दर्शक संजय स्वराज के नकारात्मक किरदार को भूल ही गए हैं। और सुधांशु पांडे अपने इस नकारात्मक किरदार से दर्शकों का प्यार पाने में इनसे भी काफी आगे निकल चुके हैं। नंबर फोर, संजय गगनानी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार है अभिनेता संजय गगनानी का, जिन्हें आप पिछले काफी लंबे समय से कुंडली भाग्य सीरियल में पृथ्वी का किरदार निभाते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने अपने इस नेगेटिव रोल से टीवी इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं को पछाड़ा है। लेकिन अब सुधांशु पांडे खलनायक के तौर पर इन्हें भी पीछे छोड़ चुके हैं। और आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, सुधांशु पांडे ईगो, एटीट्यूड और नए स्टाइल के साथ जो नजर आ रहे हैं, जिनके एक्सप्रेशंस ही इतने कमाल के होते हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। तो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि अभिनेता सुधांशु पांडे ने नेगेटिव रोल प्ले करते हुए टीवी इंडस्ट्री के इन सभी खलनायकों को पीछे छोड़ा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।